हाय गाइस, काफ़ी दिनों के बाद में सुरभि राठौर एंड मोहक नारंग दोनों ही बहुत खुश हैं, क्योंकि गाइस सुरभि राठौर जो है पिछले कुछ दिनों से कुछ सरप्राइज की तैयारी कर रही है। जैसा कि गाइस आप सबको मालूम है कि स्काई को बर्थडे को लेकर सुरभि राठौर जो है पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा सरप्राइज की तैयारी कर रही है। सुरभि राठौर के खुश होने की जो वजह है वो मोहक नारंग है, क्योंकि सुरभि राठौर को लगता है कि मोहक नारंग जो है स्काई को बर्थडे विश जरूर करेगा। क्योंकि गाइस मोहक नारंग एंड सुरभि राठौर दोनों ही स्काई को लेके आए थे एंड मोहक नारंग एंड सुरभि राठौर दोनों ही बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किए हुए हैं एक साथ में स्काई के साथ में। अब सोचने की बात यह है कि मोहक नारंग ने स्काई को बर्थडे विश किया है या नहीं किया है, आगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके अलावा रात को 12 बजे सुरभि राठौर ने स्काई के साथ में बर्थडे केक काटा। साथ ही में एक पोस्ट पे लिखा था सुरभि राठौर ने, अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं ना ही आगे पढ़ पाती लाइफ में और ना ही मैं खुश रह पाती। क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम है कि सुरभि राठौर मोहक नारंग के झगड़े के बाद में सुरभि राठौर काफी ज्यादा अकेली पड़ गई थी अपनी लाइफ में। क्योंकि गाइस सुरभि राठौर जो है सोशल मीडिया पे फिर नहीं आती, क्योंकि गाइस सुरभि राठौर के लिए मोहक नारंग को भुला देना इतना आसान नहीं है। सुरभि राठौर कहीं ना कहीं आज भी मोहक नारंग को याद करती है, लेकिन स्काई की वजह से सुरभि राठौर जो है अपना दिल जो है लगा बैठी है उसमें। सुरभि राठौर ने स्नैपचैट में जो स्टोरी शेयर की है उसको आप देख सकते हो कि सुरभि राठौर जो है बहुत ज्यादा उसकी आंखों में नमी है और मोहक नारंग को काफी ज्यादा मिस कर रही है। इसके अलावा गाइस मोहक नारंग ने एक इंस्टाग्राम में एक रील्स अपलोड की है जिसमें एक मोहक नारंग खुद को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बदलता हुआ नजर आता है। आई होप गाइस मोहक नारंग जो है सुरभि राठौर के लिए खुद को बदल ले वापस। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि मोहक नारंग ने स्काई को बर्थडे विश किया है या नहीं किया है। गाइस सुरभि राठौर को इस बात से काफी ज्यादा दुख हुआ है कि मोहक नारंग ने स्काई को बर्थडे विश नहीं किया है। गाइस सोचने की बात है कि मोहक नारंग ने सुरभि राठौर को बर्थडे विश नहीं किया था तो स्काई को कहाँ से करेगा बर्थडे विश। इसके अलावा सुरभि राठौर ने बोला है कि अब से मैं एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करूंगी। और साथ ही में गाइस मोहक नारंग का भी ब्लॉग आने वाला है। और आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली।